करनाल के निसिंग से व्यापारी के बेटे का अपहरण करने के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पैसे के लालच में तीन दोस्तों ने अपने ही जानकार हार्डवेयर के व्यापारी के बेटे विश्व भारती उर्फ विशु का किडनैप किया और घर वालों से 5 लाख की फिरौती मांगी। आरोपियों ने 2.5 लाख रुपए लेकर विशु की हत्या कर दी। पंजाब के अंदाना में घग्गर दरिया से उसकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने इसलिए विशु की हत्या की है कि उनको डर था कि इसको छोड़ दिया तो वह अपने घर वालों को उनकी पहचान बता देगा। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमनदीप उर्फ अमन बाबा निवासी निसिंग को पुंडरी से गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि अपने दो साथी आरोपी राजेंद्र उर्फ जिंदा और रविंद्र उर्फ बिंदर निवासी गोंदर के साथ मिलकर इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया का कहना है कि पीड़ितों की तरफ से पुलिस को देरी से सूचना दी गई, इसलिए वह विशु को बचा नहीं पाए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 29 दिसंबर को विशु के परिजनों से रुपए लेने के बाद ही उन्होंने उसकी हत्या की, शव नहर के पास फेंक दिया था। पुलिस टीम द्वारा उसकी निशानदेही पर विशु का शव पंजाब के पतड़ा खनोरी नहर के पास से बरामद हुआ है। पुलिस को आरोपी बाबा ने बताया कि उसका साथी आरोपी रविंदर उर्फ बिंदर प्लानिंग के तहत विशु को उसकी दुकान से किसी बहाने से बुलाकर साइड में लेकर गया था। यहां पर पहले से ही गाड़ी सहित मौजूद राजेंद्र उर्फ जिंदा और उसने उसे किडनैप कर गाड़ी में डाल लिया। आरोपी ने बताया कि वारदात में उसके साथ उसके दो साथी आरोपी राजेंद्र उर्फ जिंदा निवासी गोंदर और रविंदर उर्फ बिंदर निवासी गोंदर भी शामिल थे। 29 दिसंबर को देर शाम निसिंग थाने में दर्शन लाल निवासी निसिंग ने शिकायत दी थी कि सुबह उसके बेटे विश्व भारती उर्फ विशु को किसी ने किडनैप कर लिया है। दोपहर बाद उसने पड़ोसी बूटा सिंह के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया कि 5 लाख रुपए दो वरना तुम्हारे बेटे की हत्या कर देंगे। उन्होंने शाम को 2.5 लाख रुपए उनके द्वारा बताए गए स्थान पर दे दिए, लेकिन उनका बेटा वापस नहीं लौटा तो पुलिस को जानकारी दे दी गई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गांव कोल से पबनावा जाते समय एक भट्टे के मजदूर से फोन छीना था, उससे फोन कर विशु के परिजनों से रुपए की मांग की। CIA इंस्पेक्टर दीपेंद्र राणा ने बताया कि आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी को कुछ दिन पहले ही वारदात को अंजाम देने के लिए कस्बा चीका जिला कैथल से हथियारों के बल पर छीना गया था। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी अमनदीप उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है, जिसको आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। ये जो डेड बॉडी मिली है किडनैपिंग युवक की, ये एक कहां से मिली हुआ है जी? और यहां से किडनैप किया था, किडनैप करके उनको मारकर और पंजाब में घग्गर नदी में गिरा दिया था। तो कल जैसे उसको ट्रेस किया डेड बॉडी को, अब उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है। इसमें एक अक्यूज अरेस्ट कर चुके हैं, उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको जल्दी गिरफ्तार कर गए। कितने लोग आरोपी हो सकते हैं? आरोपी अभी उसको रिमांड पर लिया है, जैसे तफ्तीश में जितने भी आए उनको। तो पहली जांच में क्या पाया, आरोपी ने क्या बताया क्यों की थी उन्होंने किडनैपिंग? ये इनको 5 लाख की इन्होंने डिमांड करी थी, 2.5 लाख रुपए दे भी दिए थे उसने। अच्छा। और उसके बावजूद भी आरोपी शायद उसको शिनाख्त करके या किसी वजह से इन्होंने उसका मर्डर करके घग्गर नदी है पंजाब में उसने फेंक दिया। कोई आपसे रंजिश थी इनकी? कोई नहीं, ऐसा कोई रंजिश जानकार। तो ये लोग कहाँ के हैं, बाहर के हैं यानी कि आपसे जानकार में निकले हैं जो आरोपी? लोकली हैं, बाहर के नहीं, सभी लोकल लोग निसंग के रहने वाले। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।